सारे लोग आ जाओ जितने हो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे डेयरी के भक्त हैं और अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का दर्शन करने के बाद हम लोग फिर चलेंगे राजापुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने और भी बाकी लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। सब बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। सब लोग को आकर के महाप्रभु में कैसा लग रहा है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहीं नीम का पेड़ है जिस नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु प्रकट हुए थे। निमाई पंडित की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग राजापुर जगन्नाथ टेम्पल इस्कॉन जगन्नाथ टेम्पल आए हैं और यहाँ पे सारे भक्त लोग आए हैं, पूरा उत्सव जैसा माहौल है। आइए हम सब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं अभी। जगन्नाथ जी गवर्नमेंट, हम लोग सीमांतनी देवी की तरफ जा रहे हैं। जय जगन्नाथ स्वामी जय, राजापुर जगन्नाथ टेम्पल का सारा एरिया है। तो ये सीमांतनी देवी हैं, सीमांतनी मैया यानी कि पार्वती मैया हैं और सामने में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो पार्वती मैया यहाँ पे आकर के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की, फिर उनको चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए और पार्वती मैया ने उनके चरण धूलि को उठा करके अपने मांग में भर लिया। मांग को सीमांत भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा सीमांतनी देवी। सीमांतनी देवी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो वैसे तो माया देवी बहिरंगा शक्ति हैं भगवान की, लेकिन यहाँ पे अंतरंगा शक्ति की तरह कार्य करती हैं और जीवों को भगवान से जोड़ती हैं। हरे कृष्णा। ये राजापुर में जगन्नाथ जी के पास में भोले बाबा विराजमान है यहाँ पे, और आने के बाद आप प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं शिव जी की उपस्थिति का, भोले बाबा की उपस्थिति का। हमें भोले बाबा से कृपा मांगनी चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा। तो ये सारे भक्त अभी मंगल आरती के लिए रेडी हो गए हैं, तो मंगल आरती के लिए निकलेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुबह उठ करके इतनी जल्दी रेडी हो गए आप लोग। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब लोग खुश हैं सुबह उठ करके कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। तो अभी हम लोग चलेंगे मंगल आरती के लिए और मंगल आरती करने के बाद वहीं पे बैठ के जप करेंगे। जप करने के बाद हो सकता है आपको गौशाला घुमाने के लिए ले जाया जाए। सारे भक्त भी बैठ के जप कर रहे हैं। इधर सारी माताएं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अभी हम लोग गौशाला चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? गौशाला चल रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, गौशाला के मार्ग पे आके चुके हैं और यहाँ से सारे भक्त लोग दौड़ लगाएंगे। 1 2 3 अरे बहुत दौड़ना है उत्तम प्रभु, दौड़ लगाना है। कौन आगे पहुँच रहे हैं? चलिए महापुर गौशाला में आ चुके हैं। आगे कौन पहुंचे? सबसे पहले दौड़ के कौन पहुंचे? हरी बोल। तो ये इस्कॉन गौशाला है। चाहे तो गायों को खिला भी सकते हैं। वहां डर लग रहा है, आप देख सकते हैं उसका हाथ लगे मारेंगे नहीं। बहुत सीधी गाय है, गाय सबसे सीधा प्राणी है। खिला दीजिए, जिनको खिलाना है खिला सकते हैं।
कोजस में भी गौशाला खुले ज्योति माता है पक्का। तो बताइए गाय किसको प्रिय है, सबसे प्रिय गाय किसको है? कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय है गाय और ब्राह्मण दो लोग, क्या इसलिए भगवान का नाम है? सब लोग में मंत्र है, पीछे पीछे बोलिए मेरे साथ में, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, गौ माता की जय, इस्कॉन गौशाला की जय, श्री धाम मायापुर की जय। मायापुर आके अभी कैसा लग रहा है? अरे जोर से बोलिए, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी और रहना हम लोग को दो दिन। हरे बोल। तो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? प्रसाद पाने। प्रसाद पाने के बाद फिर कहाँ चलेंगे? गंगा स्नान के लिए। कहाँ चलेंगे? गंगा स्नान के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उच्च और सासाराम के भक्त हैं बिहार से, सभी भक्त लोग महापुर आए। कितने लोग पहली बार आए हैं महापुर? फर्स्ट टाइम हरे कृष्णा। सलो बोले महाप्रसाद की जय। तभी ये ब्रेकफास्ट चल रहा है, यहाँ निकलने वाले हैं गंगा स्नान के लिए। हरी बो हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग गंगा जी में स्नान करने आए थे, सारे लोग गंगा मैया में स्नान करके बहुत प्रसन्न है। ये वही गंगा मैया है जिनके जल को शिव जी अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। सोचिए कितनी पवित्र होंगी गंगा माई कि जिनके जल को शिव जी क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। तो सौभाग्य हम सबका कि हम लोगों ने गंगा जी का दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किए। गंगा जी में स्नान करके कैसा लग रहा है? गंगा मैया की जय। हम चलेंगे TOBP नए मंदिर का दर्शन करने के लिए। कितने लोग नए मंदिर में गए हैं? उषा माता गई हैं आप पिछले बार नए मंदिर में? बिंदु माता भी गई हैं, तुम भी गई है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नए मंदिर का नाम कौन बताएंगे? चंद्रोदय मंदिर, उसको TOBP भी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। क्या बोलते हैं? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। हाँ, चंद्रोदय मंदिर, ठीक है चलिए। चलो बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री धाम मायापुर की हरे कृष्णा। तो ये सारे भक्त अभी बिहार से हैं, कोई कोचस से, कोई डिहरी से, कई लोग मुजफ्फरपुर से भी आए हैं। हरि बोल। रहते भुवनेश्वर में है लेकिन है मुजफ्फरपुर से ही, तो बिहारी सब बिहारी ही हैं हम लोग ना? अच्छा झारखंड से भी हैं, बहुत बढ़िया। हरि बोल। तो अभी सब लोग साथ में रहे हम लोग, डिहरी की टीम, उत्तम प्रभु की टीम अभी जा रही है। छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, दोबारा 3 दिन का प्रभु जी। हाँ, आप लोगों को जाने का मन कर रहा है? हाँ पक्का, क्या करें रखवा दे पे। ठीक है जाइए, आराम से मिलेंगे नेक्स्ट बार। हाँ, अगला ट्रिप हम लोग का जगन्नाथपुरी में है लेकिन चलो। हरे बोल हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग सारे भक्त लोग अभी जा रहे हैं TOBP नए मंदिर का दर्शन करने के लिए, चंद्रोदय मंदिर। ये सारे भक्त अभी TOBP के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, बड़े वाले मंदिर का, नए वाले मंदिर का, एक प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में। ये ज़बरदस्त खूबसूरत विशाल नया मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा दिस इज गुड हरे रामा हरे रामा रामा जय
जय जय हरे हरे बोल। सामने सामने आइए, ऊपर का परिसर देखने को मिलेगा। इस नवनिर्माण मंदिर में आप सभी भक्तों को स्वागत है, जिसमें से सुदर्शन चक्र जो ऊपर में लगा हुआ है 3 फीट का है, उसका नीचे जो कलश है वो 40 फीट का है। टोटल मिलाकर 350 फीट इसका हाइट है। अंदर देखिए 3 अल्टर्स हैं। प्लीज ब्रैकेट के अंदर से मत आइए, पीछे से आना चाहिए था। बोलिए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी ऊपर से नहीं तो कंप्लेन हो जाएगा। महाप्रभु पंचतत्व भगवान, और राइट साइड में श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां जी को स्थापना की जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में रहेंगे गुरु परंपरा सर्व गोस्वामीगण, मिडिल में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य ठाकुर गदाधर शिवास ठाकुर, राइट साइड में राधा माधव अष्ट सखियां। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुराना मंदिर से ठाकुर जी इधर आ जाएंगे। और 2 साल के बाद 2024 दिसंबर का लास्ट में ओपनिंग होगा। हरे कृष्णा, आएंगे ना आप लोग? बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक एग्जीबिशन बनेगा, जो बृहत भागवतम में गोपो कुमार का जो लीला वर्णन किए गए हैं, गोपो कुमार का लीला, सारे लीला यहाँ पर 3D पिक्चर के माध्यम से वर्णन किए जाएंगे। कृष्णा, तो ये सारे भक्त अभी TOVP का दर्शन करने आए थे, यानी कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम, चंद्रोदय मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो प्रभु जी के अनुगत में हम सब आए थे दर्शन करने के लिए। सारे भक्त दर्शन करके बड़े खुश हैं। आप सब खुश हैं दर्शन करके मंदिर का? कैसा लगा? सब लोग सहयोग करेंगे ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग मासीबाड़ी आए हुए हैं और अभी दर्शन करेंगे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन का, हरि बोल। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समाधि स्थल पे। कहाँ जा रहे हैं? श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समाधि स्थल। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरुदेव। हरे कृष्ण, आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम प्रभु के जय। तो ये अद्भुत नज़ारा श्रील प्रभुपाद समाधि स्थल का। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद समाधि स्थल की जय। हमने चलना है कि आज ही बंद कर दें? चलना है। किनको किनको घूमने चलना है? सबको। दो माताओं का हाथ नहीं उठ रहा। आप लोगों को नहीं चलना है? हिंदी नहीं, भोजपुरी में बोले के पड़ी। काल घूमे चले के वह कि नहीं चले के वह? नहीं तो थक लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि हम मैनेज कर लेंगे। मंगल आरती की जय। हरे कृष्णा, तो ये जलंगी में ही आए। अभी हम लोग गोद्रुम द्वीप जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिता गौ
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आए हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के भजन कुटीर में, गोद्रुम द्वीप में। सभी भक्त लोग साथ में हैं, सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ठाकुर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। फॉरेन डिवोटीज है, वो लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं बड़े अद्भुत तरीके से। हम लोग जिस संस्कृति को इंफीरियर समझते हैं, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, ये फॉरेनर्स हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम इनकी संस्कृति के पीछे भागते हैं, तो हमें इन सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भजन कुटीर है, सारे भक्त यहाँ पे अभी कीर्तन कर रहे हैं। ये सारे भक्त हैं और यहाँ पे ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज है, साथ भक्ति शास्त्रपति महाराज है। सारे भक्त यहाँ पे कोई देश का, जाति का, धर्म का भेदभाव नहीं है। रशियन डिवोटीज, इंडियन डिवोटीज, सारे लोग मिल करके जम के नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं, नो भेदभाव। ये असली में यूनाइटेड नेशन है, असली में इस्कॉन यूनाइटेड नेशन है, जहाँ पे सारे देश के, सारे धर्मों के, सारे जाति के लोग अपने धर्म को, देश को, जाति की सीमाओं को भूल करके एक साथ कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। हरि बोल। अद्भुत दृश्य है ये। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ना याम घाट नहीं है ये, स्वर्ण बिहार। कहाँ पे आए हैं? स्वर्ण बिहार वो जगह है, सप्तयुग में एक राजा हुए थे जिनका नाम था स्वर्ण सेन। क्या नाम था? तो उन्हीं की राजधानी है ये, उन्हीं का ये जगह है, इधर ही उनका राजधानी था। कब के? सप्तयुग के। कब के? और कलयुग में वो बुद्धिमान खान के रूप में, श्याम सुंदर भगवान है। और इधर गौरांग महाप्रभु है ना, इधर गौरांग महाप्रभु है। और यहाँ पे दो राधा रानी है, देखिए नीचे में कृष्ण के साथ दो राधा रानी है। राधा रानी की कृपा के बिना हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी ने कथा बताया और आर्यन प्रभु ने इसको बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट किया। ये अभी हम लोग स्वर्ण बिहार में है, गोद्रुम द्वीप में। पहले राजा हुआ करते थे सतयुग में जिनका नाम था स्वर्ण सेन। और स्वर्ण सेन राजा, उनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, बेचारे परेशान रहते थे। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि अगर आप ये धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाइएगा, त्यागने का मतलब क्या है, हमें उसको फेंकना नहीं है, किसके सेवा में लगाना है? भगवान के। तो जब आप अपनी धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाइएगा तो आप शांति प्राप्त कीजिएगा, खुश रहिएगा।
तो नारद मुनि की आज्ञा अनुसार वो बोले कि नारद मुनि को कहा कि आप छोड़ दीजिए जंजाल को, तो उन्होंने छोड़ दिया और ये सारे धन संपत्ति उनकी जमीनोद्दत हो गई, यानी कि सब खत्म हो गया। इसके बाद कलयुग में वही सुवर्ण सेन किस रूप में आए, बुद्धिमान खान के रूप में, है ना, बुद्धिमान खान के रूप में। और नारद मुनि ने उनको कहा था कि आप उस कलयुग में, दो युग के बाद कलयुग में आपको भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो वही बुद्धिमान खान, जब महाप्रभु की शादी हो रही थी विष्णुप्रिया माता से, विष्णुप्रिया देवी से, तो बुद्धिमान खान ने महाप्रभु के शादी का जितना भी खर्च था सब अपने ऊपर लिया था, है ना, टोटल खर्च किया था। तो यानी कि उन्होंने अपनी धन संपत्ति किसकी सेवा में लगाया था, तो फिर उनको क्या मिला, शांति भक्ति मिला। तो हम भी चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी धन संपत्ति का कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में, हम अपने धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धन संपत्ति क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और हम भी शुद्ध हो जाते हैं। बताया जाता है कि स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, स्नान करने से क्या शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, दान करने से क्या होता है, और जप करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है। राजा थे स्वर्णसेन, उनके जो भवन का कुछ अवशेष था, ये सतयुग के अवशेष है उनके भवन का, और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रूफ किया गया है कि ये सतयुग की शिला है, ये बड़ी ही खास शिला है। इस शिला में अगर आप सिक्के से एक छोर पे आवाज़ देंगे तो दूसरे छोर पे भी आप आसानी से उस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो अभी डेमो हम लोग करेंगे, संगीता माता हैं सासाराम से, माता जी भी इस साइड में सिक्का को टच करेंगी, आवाज़ करेंगी, और आर्यन प्रभु हैं, आर्यन प्रभु साइड में सुनेंगे। तो कीजिए माता जी आप। आर्यन प्रभु सुनाई दे रहा है जी, प्रभु जी स्पष्ट सुनाई दे रहा है ना, स्पष्ट सुनाई दे रहा है एकदम, सत्य बात है कि अगर उस छोर से कोई भी हल्की सी चीज भी अगर आवाज कर रही है तो आप इस छोर पे स्पष्ट रूप से उसको सुन सकते हैं। तो ये चमत्कार सभी शिलाओं में आ रही है ना, सभी शिलाओं में देखिए, सारे भक्तों ने करके देखा, सारे भक्तों ने, हम सब ना बिहारी हैं, पक्का बिहारी हैं, हाँ इससे नहीं मानते हैं, हाँ करके देखा सभी ने, तो हम सब ने एक बार देखिए, हम मोबाइल में भी इसको दिखाने का प्रयास करेंगे आवाज का, मरिएगा थोड़ा सा, देखिए आप भी आवाज सुन सकते हैं, आप भी इसका आवाज सुन सकते हैं, जबकि नॉर्मल पत्थर में ऐसा नहीं होगा। देखिए ये भी पत्थर है, ये भी इसके नीचे पत्थर है, इसमें मार के दिखाइए, देखिए उसी साइड में रह जाएगा वो आवाज, क्या है उसी साइड में रह जाएगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है करके देखिए, इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। हम तो ये शिला अद्भुत शिला है, सतयुग की शिला है। कई सारे जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि देखो जी तुम लोग पंडित जी लोग भाषण देते रहते हो कलयुग द्वापर युग सतयुग, अरे कल किसने देखा है भैया, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऐस मौज करो, खाओ पियो, ऐस करो, लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग सतयुग द्वापर युग त्रेता युग, ये चार युग हैं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, और यही चक्र चलते रहता है। तो जो हमारे शास्त्रों में दिया है वो 100% करेक्ट है, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइंटिस्ट भैया लोग आज मान रहे हैं कुछ कुछ बातें, कल सारी बातें मानेंगे। हरे बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम करने की चीज़ है, खुद से करने की चीज़ है। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो आपको खुद अनुभूति होगा कि आप सुख शांति महसूस कर रहे हैं। कितने लोग हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं यहाँ पे? जप करने के बाद खराब लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना, कल भी हम लोग गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समाधि में जप किए थे, अच्छा लगा था ना, तो जप कीजिएगा। सब लोग जप करेंगे ना यहाँ से जाने के बाद। देखिए ये राजा हमें शिक्षा देते हैं, स्वर्ण विहार हमें शिक्षा देते, राजा होकर के भी इनके पास क्या नहीं था, जबकि सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ था, वैभव सब कुछ था, लेकिन इनके पास सुख शांति नहीं थी। तो सुख शांति धन संपत्ति से जमीन जायदाद से 8-12 बस होने से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी चांदनी भैया कह रही है, बस जीरो है, बस जीरो है ना, ये दिवाकर बस की मालकिन है, 12 बस की मालकिन है, बस शांति नहीं ना मिल रहा है। लग रहा है आप आकर के राजौली प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, इधर घर बना लिया जाए, चांदनी भैया खुश है ना, भूख प्यास किनको किनको लग रही है, चलिए सिंहदेव भगवान की जय।
हरे कृष्णा। तो ये नरसिंह पाली है, नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद इसी जगह पे आके विश्राम किए थे। हरे कृष्णा। तो ये हरिहर क्षेत्र है, हरिहर भगवान है। हरिहर मतलब हरि मतलब लॉर्ड विष्णु और हर मतलब लॉर्ड महादेव। तो हरिहर भगवान का मतलब कि आधा भगवान विष्णु और आधा शिव जी। जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं वो शिव जी है और जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं भगवान विष्णु। भगवान के राइट साइड में पार्वती मैया हैं और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी मैया हैं। बगल में जगन्नाथ जी भी हैं। हर भगवान की जय। लक्ष्मी मैया पार्वती मैया की जय। सुप्रभात की जनता। गौर प्रेम आनंदे हरि हरि वो गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा हरि हर भगवान की। लक्ष्मी मैया पार्वती मैया की। हरे कृष्णा। तो ये मायापुर में एलिफेंट प्रोसेशन निकला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये, बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। राधा माधव भगवान का हाथी, राधा माधव भगवान का हाथी है ये। दो दो हाथी यहाँ भगवान का। हरे बोल प्रभु जी। भगवान का बोल मिल गया। हरि बोल। ये देखिए हाथी भगवान के, और पीछे से देखिए इतने सारे लोगों की भीड़। Yeah.